इस आरसी कार के फर्स्ट पार्ट में हमने इसके आगे वाले गियर को समझा, अब हम सेकंड पार्ट में इसके पीछे वाले गियर को समझने वाले हैं। ये शाफ्ट सीधी पीछे वाले गियर की तरफ जाती है। इस पूरी कार को पावर हमारा पीछे वाला गियर बॉक्स देता है, जिसमें ये मेन मोटर यहाँ पर कनेक्ट है। चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर मोटर को ठंडा करने के लिए एक हीट सिंक लगाई हुई है, जो कि हमारे मोटर को ठंडा करती है। तो चलिए अब हम इस पूरे को ओपन करते हैं। अब आप देखिए इसके पीछे वाला पार्ट किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेन शाफ्ट इसके आगे वाले व्हील को मूव करती है। जब भी हमारा टायर मूव होता है तो देख लीजिए किस तरीके से मूव होता है। यहाँ पर हमारी गियर मोटर लगी हुई है, तो देख लीजिए। अब को मैं मोटर भी दिखा देता हूँ। ये हमारी 12 वोल्ट की मोटर है, लगभग ये 12 वोल्ट से बहुत हाई स्पीड पकड़ लेती है आपकी। और इसमें ये गियर यहाँ पर मेटल का है, और यहाँ पर टॉर्क देने के लिए इसमें इस तरीके के गियर का यूज़ किया गया है, जिससे हमारा जो इसका टॉर्क है वो बढ़ जाता है गियर, इसलिए इतने सारे यहाँ पर लगाए गए हैं। तो अभी मैं इसको वापस से अपनी जगह पर फिक्स कर देता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर छोटी छोटी लाइटों का भी यूज़ किया गया है, ताकि जो डेकोरेशन है वो थोड़ा अच्छा हो। इसका जो मेन सर्किट है वो पीछे की तरफ है, तो मैं आपको मेन सर्किट भी दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में हम इन पे काम चालू करेंगे। तो अभी मैंने आपको ये पीछे वाला पार्ट दिखाया था, वही यहाँ पर आपका वही आपका गियर लगा हुआ है। सेम ऐसा गियर आगे की तरफ भी था। यहाँ पर हमारा मोटर लगा हुआ है, जो कि इन गियरों को पावर देता है। ये हमारी है मेन शाफ्ट, जिससे हमारा ये वाला व्हील मूव करता है। और इस व्हील में एक एडिशनल में गियर लगाया गया है, जो कि हमारे इस शाफ्ट के जरिए इसकी पावर को आगे की तरफ शिफ्ट करता है। शिफ्ट करने पर हमारे आगे के व्हील भी घूमते हैं। देखिए जब मैं इस व्हील को घुमा रहा हूँ, तो आगे का व्हील भी हमारा घूम रहा है। तो अभी मैं सारे गियर को इस तरीके से फिक्स कर दूंगा। तो अभी हमने आपको इसके आगे के कनेक्शन दिखा दिए हैं। अब हम इसको वापस से पैक कर देंगे अपनी जगह पर, और इसके जो सर्किट वाला पार्ट है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। अब जल्दी से मैं इसे पैक कर देता हूँ। तो ये यहाँ तक कंप्लीट है। अब सबसे पहले मैं इस बैटरी के वायर को रिमूव कर दूंगा यहाँ से, बैटरी ताकि निकल जाए हमारी, इससे अभी हमें काम नहीं है। तो अभी मैंने इसको हटा दिया है यहाँ से, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये लगा हुआ है सर्किट। तो अभी मैं इसको ओपन कर दूंगा। दो स्क्रू है जिसकी मदद से ये हमारा ओपन होगा। तो मैं इसे ओपन कर दूंगा, देखिए। तो यहाँ पर हमारा इस कार का ये सर्किट है। तो सर्किट कैसा है, सर्किट को भी ओपन करेंगे हम, और फिर देखिए आप देख सकते हैं सर्किट किस तरीके का है इसका। एक बार मैं इसको दिखाता हूँ आपको पलट के। जी देखिए सर्किट हमारा किस तरीके का। यहाँ पर हमारे देखिए आप जैसा कि देख रहे हैं चार रिले लगाई हुई है। तो रिले लगाने का मतलब यहाँ पर क्यों लगाया गया रिले, क्योंकि इस सर्किट में कोई भी मॉस्फेट का यूज़ नहीं किया है। मतलब जैसे ही पावर आएगी तो डायरेक्ट स्पीड पकड़ेगा, इसमें स्लो स्लो स्पीड नहीं पकड़ा में आती है। और यहाँ पर चार रिले लगी हुई है। ये चार रिले क्या काम करती है, मोटर ड्राइवर का काम करती है। यहाँ पर किसी भी मॉस्फेट का यूज़ नहीं किया गया है। अब इसका बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है इसका कि ये धीरे धीरे स्पीड नहीं पकड़ेगी, एकदम से फुल पावर इसमें आएगी, एक तो ये इसका नुकसान है। और फ़ायदा क्या है कि ये जो हमारे रिले है ये मॉस्फेट से पावरफुल होती है। मॉस्फेट एक बार ख़राब हो जाता है तो वो मार्केट में नहीं मिल पाता, लेकिन जो ये हमारे रिले है वो हमें मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 वोल्ट DC की रिले का यूज़ हुआ है। और यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं पूरा सर्किट किस तरीके से। ये हमारा इसका सर्किट है, जिसकी मेन IC RX TX की ये वाली है। तो ये यहाँ से सिग्नल जनरेट करती है, और हमारे यहाँ पर देख लीजिए चार ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जो कि इनको पावर देते हैं।
रिले को, और रिले पे से ही हमारे इसको वोल्टेज जाता है। यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर भी लगा हुआ है जो कि वोल्टेज को कम करके इस आईसी को देता है, और उसके बाद में हम जो इसमें पावर देंगे वो मोटर ड्राइवर में देंगे। हम पूरा सर्किट बना भी सकते हैं, बहुत ही सिंपल सर्किट है ये, और इससे भी पावरफुल बना सकते हैं जिसकी लॉन्ग रेंज हो। अधिकतर जो ऐसी कार होती है इसकी जो रेंज होती है लगभग 200 से 300 फुट के समथिंग इसकी रेंज हमें मिल जाती है ये वाली आरसी कार की। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इस पूरी कार को ठीक करेंगे, इसके एक 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 चीज़ों को चलाकर चेक करेंगे। तो अभी हमने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में समझ लिया आगे का किस तरीके से वर्क करता है और ये वाला पार्ट किस तरीके से वर्क करता है, और अब हमने इसके सर्किट को भी देख लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसे रिपेयर करेंगे और रिपेयर करके इसे ऑन कंडीशन में लाएंगे और फिर हम इसकी स्पीड को भी टेस्ट करेंगे। तो यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।